मैं मोहन गुजर बोल रहा हूँ मालीपुरा से। हमने यशोदा नगर परिषद के अंदर पानी के टैंकर डाले थे, तो 3 से 4 साल हो चुके हैं, अभी तक पैसे नहीं आए हैं। मेरे 2,40,000 रुपये रुके हुए हैं। हर बार जब भी जाते हैं नगर परिषद के अंदर तो CMO साहब ऐसे बोलते हैं कि कई बार गए तो जब बोलते हैं कि मेरे काल का नहीं है, तो तुम्हारे काल के नहीं है तो भाई हम तो कुर्सी से पैसे मांग रहे हैं, आपसे थोड़ी मांग रहे हैं। तो फिर उन्होंने किया कि चलो हम जाएंगे बातचीत करेंगे। तो इतने इंतज़ार करा 4 साल हो गए। अब हमारे जो टैंकर के पैसे लोगों से उधार ला ला के हमने चलाए थे पानी, तो उनका भुगतान करते करते अभी तक ब्याज दे रहे हैं। इनके चक्कर में हमारा टैंकर भी बिक गया, ट्रैक्टर भी बिक गया है ना। तो अब इनके जो बेसुदा में और भी टैंकर चल रहे थे, कई लोगों के बाकी भी है और कई के भुगतान भी हो चुके हैं। ये भुगतान किस कारण से हुआ भाई? हमारे तो एक ट्रैक्टर चल रहा, तो हमने एक ही अकाउंट लगा रखा था। अब कई ने 4 अकाउंट लगा रखे, तो उन जो जिनने 4 अकाउंट लगा रखे थे, चारों के पैसे निकल गए सबके। तो किस कारण से निकले? और कुछ तो होगा उसमें घोटाला, तो इसी कारण से हमारे पैसे रुक गए हैं। अब इसमें कम से कम मान लो 16,80,000 रुपये बाकी है, तो वो 5-6 जने हैं हम, उनके बाकी रुक रहे हैं पैसे। किस चीज़ का पानी टैंकर है? ये नगर पालिका में डाला था ना हमने पानी, राजस्थान से पानी खरीद के लेके आए हम, राजस्थान से खरीद के लाए हम, इनको बेचदा मंडी में पानी पिलाया हमने सबको, सबने। कितना टैंकर था, कितने रुपए में टैंकर खरीदे? ये 350 रुपये में हमने यहाँ डाले, और वहाँ से 100 रुपये टैंकर से खरीद के लेके आए हम। यहाँ डाले हूँ, वहाँ से 100 रुपये नगर परिषद से 350 रुपये मिलता था पर टैंकर पे। आपने कितने टैंकर डाले हैं आपके? मेरे टोटल टैंकर बन रहे हैं 1611 टैंकर है। हाँ, तो आपका कितना टोटल पेमेंट हुआ? टोटल पेमेंट 550 ऊपर ही था, कुछ भुगतान हो भी चुका है, उसमें कुछ बाकी है, 2,40,000 रुपये बाकी है मेरे। कितने ऐसे टैंकर वाले जिनका भुगतान बाकी है? 5-6 जने हैं और बाकी है अभी, तो टोटल पेमेंट है 1,680,000 रुपये। तो वो 3 साल हो गए, 3 साल से तो अभी तक 1 रुपये भी नहीं आया। जब हमने बीच में टैंकर भी रोक दिए थे, बीच में टैंकर रोका इसी कारण से था कि पेमेंट रुक गया था। फिर CMO साहब ने बोला कि हाँ हम पैसे देंगे, जब तक भी कोई पैसा नहीं आया। और लोगों से उधार लेके आए हम, उधार ला के टैंकर चलाए, जब तक भी कोई पेमेंट नहीं आ रहा। फिर एंड में मैंने टैंकर बंद कर दिया बिल्कुल ही। सब बातचीत कर ली नगर परिषद के जिम्मेदार, हाँ भल्ले वे और उस बात से भूल जावे। CMO साहब से बोल दिया, चेयरमैन साहब से भी बोल दिया, हमारे श्याम जी गुजर है उनसे भी बोल दिया। श्याम जी गुजर भी कहते हैं कि हाँ मैं दिलाऊंगा, पर अभी तक दिलाते रहे पैसे। पेमेंट आया 3 साल हो गए, लॉकडाउन की बात है, जब से हमारे पास कोई पैसा नहीं आया, 1 रुपये भी नहीं आया। हेल्पलाइन पे शिकायत भी करी थी मैंने। कितने लोग हैं जिसमें के तीन लोग, कितने लोगों का आ गया पेमेंट? पवन गुजर है उसका भी आ गया, बेसुदा नगर परिषद पवन गुजर है उसका भी आ गया, और जो उपाध्यक्ष है अर्जुन शर्मा उसके भी पैसे बाकी थे। पहले तो बाकी चल रहे थे, अब उसके भुगतान भी हो चुका है। पहले तो बाकी चल रहे थे और अब उसका भी भुगतान हो चुका है। ये क्या पता किस कारण से भुगतान हुआ, हमें थोड़ी पता है, हम तो जाते ही नहीं नगर परिषद में। जब कोई अर्जेंट काम पड़ता है तब जाते हैं। 2-4 बार थाने में भी लिख के दिया हमने अधिकारी जी को, उन्होंने भी करवाया। आपने टैंकर डाले, आपको लगता है कि घोटाला हुआ है? घोटाला हुआ है, इसी कारण से तो पैसा रुका हुआ पड़ा है। अगर एक नंबर में चलते सारा काम, तो सारा काम एक नंबर में हो जाता। अच्छा। सुरेश यादव जी कर ही रहते हैं सब काम, किधर से भी कर रहे थे पेमेंट कर रहे थे, और ये CMO साहब आए उसके बाद तो 1 रुपये भी नहीं आया। तो सुरेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ था ना ये? सुरेश यादव के कार्यकाल में हुआ था। तो आप क्या करेंगे अगर आपको पेमेंट नहीं? अगर ये पेमेंट नहीं मिला तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे भले जेल खा के मरूँ या चाहे कुछ भी कर सकता हूँ मैं। और अगर इसके मेरे बच्चे की जिम्मेदार नगर परिषद बेसुदा होगी, जो खेमचंद जी यादव है वो होंगे उसके जिम्मेदार। मैं 2-4-8 दिन में कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर पे रोज आ रहे कर्जे वाले, उन्होंने पैसे दिए हो तो वो तो आएंगे यार, 10 बार आएंगे वो तो।